दोस्तों, तो आज हम लोग आ पहुँचे हैं छोटा नागपुर के अंदर महाराजपुर नामक ग्राम में, और यहीं आज रात को हम लोग यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। तो अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से अभी हम लोग यहाँ पे आग सेक रहे हैं, और सुबह होने के बाद मैं आपको यहाँ के गांव के बाहर का सारा व्यू दिखाऊंगा, जो यहाँ का खेत खलिहान वगैरह है और जो यहाँ का घर है। तो आज रात को यहीं पर स्टे करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे स्टे करने वाले हैं, यहाँ पे सोने वाले हैं, और जैसा कि यहाँ पे हम लोग का बिस्तर लग चुका है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। अच्छा मकान है और हम लोग सोने वाले हैं। विजिट किए हुए हैं, ठंडी लगी तो थोड़ी। सुबह का टाइम हो चुका है दोस्तों, और 6:30 बज रहे हैं अभी, और काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे अभी, यहाँ पे आग तापते हुए। दोस्तों, तो सुबह हो चुकी है और कल रात हम लोग यहाँ पे सोए हुए थे, और अभी भी बाकी भाई लोग सो रहे हैं। और मैं आपको चलकर बाहर का यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, देख सकते हैं छोटा सा बच्चा, और यहीं से बाहर निकलते साथ ही यहाँ पे आंगन है, और हम बाहर की तरफ चलेंगे अभी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर का माहौल, और इधर हमारे विनीत भाई आग सेकते हुए मामाजी के साथ। अब दोस्तों, मैं आपको गांव के पीछे का हिस्सा लेकर चल रहा हूँ। ठंड भी आज काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इधर देख सकते हैं दोस्तों, जस्ट घर के पीछे में ही यहाँ पे बाड़ी वगैरह लगाया गया है। और इधर खेत वगैरह आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, यहाँ से ये जो गांव है, ये अमृत धारा से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कल हम लोग अमृत धारा से आने के बाद इसी गांव में आज स्टे किए, और दोस्तों कहा जाता है कि इस तरफ भालू वगैरह और जो जंगली जानवर हैं वो आने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, काफ़ी सारे यहाँ पे मटर बोए हुए हैं और काफ़ी फल भी लग चुका है, देख सकते हैं मटर का। देखते हो कि यहाँ पे मटर काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो मैंने अभी मटर तोड़ा है और काफ़ी अच्छे मटर है। बाकी यहाँ पे भी अभी टमाटर की बुआई की गई है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, और आम का वृक्ष है यहीं पे। साइड में ही छोटा सा नरवा जैसा बनाया गया है, जहाँ पे पानी वगैरह स्टोर करके रखा जाता है।
बाकी दोस्तों कल रात को काफ़ी सारी एकदम अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी, जैसे जंगली जानवरों की आवाज़ें होती हैं, लोमड़ी भालू वगैरह। क्योंकि दोस्तों ये जो अमृतधारा का जो जंगल है, जो अमृतधारा वाटरफॉल है, इसके बगल में ही ये 2 किलोमीटर के रेंज में ये गांव है महाराजपुर नाम का, तो यहाँ पे जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा घरें भी नहीं है, बीच में आपको एक घर देखने से मिलेगा, मेरे पीछे में एक घर है।